गाइस, वेलकम टू इन्फोबूस्ट। सो फ्रेंड, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं आयरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। आयरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी वैसे तो मार्केट में काफ़ी समय से है, बट रिसेंट टाइम्स में बिकॉज ऑफ कोविड काफ़ी कंपनीज ने इसको अडॉप्ट करना तेजी से स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू स्कैनिंग, तो जो सबसे पहले तीन नाम आते हैं वो है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, आयरिस स्कैनिंग एंड डीएनए स्कैनिंग। डीएनए स्कैनिंग का यूज़ करना डे टू डे लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए जो सबसे कॉमन चीज़ें बचती हैं वो होती हैं फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एंड आयरिस स्कैनिंग। कंपेयर टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, आयरिस स्कैनिंग काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है एंड रिलायबल भी, क्योंकि आयरिस स्कैनिंग में नंबर ऑफ सैंपल्स हम काफ़ी ज़्यादा लेते हैं कंपेयर टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। और तो और, अनलाइक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, आयरिस स्कैनिंग में हमें किसी मशीन को टच करने की नीड नहीं होती। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आयरिस स्कैनिंग के बारे में डिटेल में और समझते हैं कि इसमें सैंपल्स किस तरीके से लिए जाते हैं ह्यूमन बॉडी से और फिर उसको किस तरीके से डेटा फॉर्म में इनकोडेड किया जाता है। फ्रेंड्स, जानते हैं कि आयरिस सैंपल को किस तरीके से कैप्चर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि किन्हीं भी दो ह्यूमंस के आयरिस सैंपल सेम नहीं हो सकते। दैट मीन्स, अगर आप किसी ह्यूमन का आयरिस सैंपल लेते हो तो उसमें जो कलर पैटर्न्स होते हैं, जो कर्वेचर होता है, जो लाइंस होती हैं, वो कम्प्लीटली यूनिक होती हैं और इसी का यूज़ हम करते हैं उस पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आयरिस स्कैनिंग में सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी का एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज कैप्चर करते हैं। उसके लिए नियर इंफ्रारेड लाइट का एंड विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है। इमेज कैप्चर होने के बाद जो स्कैनर होता है वो इमेज से आईलिड्स या अदर पार्ट्स को रिमूव करता है एंड केवल आयरिस रिलेटेड पार्ट्स ही उसमें होते हैं। बेस्ड ऑन दैट वो एक पैटर्न डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर ह्यूमन की आयरिस इमेज से कि उसमें कौन कौन से कलर पैटर्न्स है, कितनी कर्वेचर है, उसको डेटा फॉर्म में इनकोड करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आयरिस स्कैनिंग में डुप्लीकेसी के चांसेस के और देखते हैं कि आयरिस स्कैनर कितना ज़्यादा एक्यूरेट एंड सिक्योर है। जैसा कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में डुप्लीकेसी के चांसेस हमें पता है कि अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कर लेते हो हाथ पे तो कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं आता। साथ ही अगर आप किसी पर्सन का फिंगरप्रिंट मोड ले लेते हो तो उसके थ्रू आप अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हो। बट इन केस ऑफ आयरिस स्कैनिंग डुप्लीकेसी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। केवल एक ही तरीका दिखता है आयरिस स्कैनिंग में डुप्लीकेसी का, और वो ये कि जिस ह्यूमन का आपको एक्सेस चाहिए उसके आयरिस की आपके पास एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज होनी चाहिए। एक बार जब स्कैनर आयरिस का सैंपल लेता है तो उसके बाद जो कोड में कन्वर्ट होता है वो कोड डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप ऑथेंटिकेट के लिए जाते हो, वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, तो वहाँ पे स्कैनर वापस से आपके आयरिस का इमेज लेके उसको कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन डेटाबेस में स्टोर्ड कोड से उसकी मैचिंग कराता है। अगर वो कोड कहीं मैच होता है तो आपको एक्सेस ग्रांटेड हो जाती है। बट इन केस ऑफ डुप्लीकेसी, जिस यूजर का एक्सेस आपको लेना है उसके आयरिस की हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज अगर आप लाके स्कैनर के सामने रखते हो तो स्कैनर उस इमेज को रियल आयरिस समझ के आपको एक्सेस ग्रांट कर देता है, क्योंकि कोड कन्वर्जन जो होता है वो सेम होता है। बट इसका भी सॉल्यूशन है। आजकल के जो स्कैनर हैं वो आयरिस इमेज के साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो यूज़र सामने खड़ा है उसकी आईज मोशन कर रही हैं या नहीं, यानी पलके झपकती हैं या नहीं, उसको वो डिटेक्ट करता है एंड बेस्ड ऑन दैट वो एक्सेस को ग्रांट करता है। अगर आप केवल एक इमेज ला के सामने रख देते हो तो आपको एक्सेस ग्रांट नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो आपकी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज हो, कोड मैच भी होता है, बट वो आपको एक्सेस ग्रांट नहीं मिलता। बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज आयरिस स्कैनर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो सिक्योर कम है आयरिस स्कैनर के कंपैरिजन में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आयरिस स्कैनर के बारे में जितना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिला होगा आयरिस स्कैनर के बारे में कि कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करता है और ये कैसे ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।